हेलो एंड वेलकम टू अर्बन ग्रूव एंड ग्रीन्स। हेलो वेलकम टू अर्बन ग्रूव एंड ग्रीन्स। आपसे काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हो रही है सबसे, वो हमारी गलती है, हम बीमार हो गए थोड़े से तो हम वीडियोज़ नहीं बना सके, लेकिन वी आर बैक। और आप जैसे कि आपको एक शॉर्ट में शायद नज़र आया हो, आज हम अपनी पनीरियों को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। वी आर ग्रोइंग लेटेस्ट टुडे। हमने पहले तो गर्मियों में लेटेस्ट स्टार्ट की थी, हमने गर्मियों में लेटेस्ट की एक्सपेरिमेंट की थी, लेकिन वो नहीं चल सकी, हमें पता था कि नहीं चलेगी। तो अब सर्दियों का मौसम आ गया, आपको नज़र आ रहा है जैसे मौसम इतना अच्छा ठंडा ठंडा सा है। तो आज हम इस बड़े से रेज बेड के अंदर इसकी प्रिपरेशन करके हम ये सारी लेटेस्ट लगा देंगे, ताकि हम सर्दियों में खूब ढेर सारी लेटेस्ट इस्तेमाल कर सकें। और हमारे पास कौन कौन सी लेटेस्ट लगाने के लिए, ये आपको आके उजाला बताएगी। ये हमारे घर के बाहर से बकरियाँ गुजरते हुए, चल बकरी आ जा वापस। कौन सी लेटेस है जाला आपके हाथ में? मुझे नहीं पता, अभी बताया। रेड लेटेस है जी मेरे पास, एक रेड लेटेस है जो कि आज हम लगाएंगे। और साथ में हमारे पास हैं जी ये ट्रेडिशनल ग्रीन लेटेस है, ये दो पेयर्स हैं। और जला ये कौन सी है? दिस इज आइसबर्ग। यस, तो ये हम लगाएंगे, ये चारों हम अपने कंटेनर में साथ रख लेते हैं। ये हमारा ग्रेस बेड है, ये अच्छी सी प्यारी सी जला जी रेड बेड रखते हुए। तो अभी हम इसको एक दफ़ा सेट प्रिपेयर कर लेते हैं थोड़ी सी खाद डाल के, और फिर इसमें हम ट्रांसप्लांट कर देंगे सारी। और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम मल्चिंग करेंगे, मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। ये भी मैं केयरफुली पनीरी इसकी निकाल रहा हूँ, जेंटली जेंटली। ठीक है, ये देखें, ये एक निकल आया हेड। अब ये आइसबर्ग है, आइसबर्ग वो तो जब पूरा एक हेड सा बनता है ना, तो इसको थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए थी, तो मैं इनको एजिस पे लगा रहा हूँ बेसिकली। डली भी है ऑलरेडी। अच्छा ठीक है जी, ये हमने इसको एक आइसबर्ग को हमने छोटे से को यहाँ लगा दिया। अब वो मौसम है कि ग्लव्स पहन के गार्डनिंग की जाए। क्यों, ठंड लग रही है? नहीं जी, फिर ये वॉर्म क्या कहता आपको, इतना छोटा सा वॉर्म है। गंदे से सूंडे से नजर आते हैं ना। चलें हम आप बताइएगा उजाला को कौन से कलर के ग्लव्स लेके दें कमेंट सेक्शन में, तो फिर हम उसको ले देंगे। ठीक है उजाला, मेरे पास पहले आपने वो सर्दियों वाले लेके दिए थे ना, ब्लैक कैट। हाँ ब्लैक कैट वाले, ब्लैक कैट वाले ऊपर ले गए ना, मिट्टी मिट्टी हो जाना। पिंक पैंथर वाले चाहिए इसको, छोटा सा इसको मिस करा देते हैं। अजान के बाद बात करते हैं। ये लगाए एक, अब ये लगाए उस तरफ लगाए, मैं इधर लगाता हूँ। अब तो मैं भाई खोद खोद के इसी से ही लगाऊंगी। खोदने लगी इतने से बुरे खोद। मामा आप उससे ना को 8 करोड़ गुना मैं बड़ी उस सुंडी से, उसमें से निकाल के दें, उसमें से भी निकला है, मुझे डर लग गया है। जेल जो आज वर्षा हुआ है ना व्यूअर्स, वो आपकी सोच है। हमारा सुंडे निकले हैं बड़े बड़े सुंडे गार्डन में, ये गार्डन खाली हुआ बड़ा, कुछ भी नहीं उगला था, इसलिए भी हमने वीडियो नहीं बनाई। पहले मैं बीमार हो गई, गले खराब, बुखार, नजला, मुझे लगा मुझे डेंगू हो गया। डेंगू हो गया मेरी बेगम को, डेंगेडू गेंडू गेंडू का बुखार। उसके बाद जी मुस्तफा ने चन चढ़ा लिया, वो बीमार हो गया। ये ले मामा आपका आखिरी। चलें जी, ये हमारा आइसबर्ग लेटस लग गया है, अब इनको प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। खुद करें, ये
ये है जी हमारी ट्रेडिशनल आइसबर्ग लेटस, ये ज़्यादा खाई जाती है तो हमने इसके दो पनीरियाँ बनाई हैं। ठीक है अब आपने आप ये यहाँ से पकड़ लें, ठीक है, और रैंडमली आगे रखते वहाँ पे किधर से दूर से आ जा रहे हैं। हाँ क्या कर रही है मामा, बस कर दें यार, इतना भी नहीं होता। मुझे डर लगता है सच में, मुझे बचपन से बहुत डर लगता है इन मॉम से, वॉर्मी से। आप तो मेरे वॉर्मी देख के फोन तर ही जाए। क्या क्या हो गया यार, ये रहा ऐसा लग रहा है ना हॉरर मूवी में बैठा हूँ। ये ले मैंने पनीरियाँ निकाल दी हैं, आप उस तरह लगा लो, ये देखो ये लो, ये आपको मैं खुद ही लदा कर देता हूँ, डर बैठा हुआ ना। ये लें ये सारी आपकी हैं। अच्छा। ये सब आपका कितने गैप्स और होल्स, फिंगर से बता दे व्यूअर्स को। बस थोड़ा सा डिस्टेंस रख लो, ज़्यादा ना। चल आप ग्रीन वाली लगाएं, मैं साथ साथ रैंडमली ना रेड वाली भी लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो नहीं ना यूं एक लाइन में हो। नहीं ना रैंडमली लगाएंगे ना, लाइन लाइन क्या करनी है, ऊपर नर्सरी में तो नहीं, जो पीटी स्कूल तो नहीं जा रहे हैं। ग्रीन वाली एक लाइन में, क्लास वन ए एक लाइन में, क्लास टू बी दूसरी लाइन में। मेरा तो था यूं ही हम लगाते। अच्छे मैं अपने लिए अब अगली दफा से फटी लेके आऊंगी, मैं कहाँ बैठूं? इसके ऊपर बैठ जा। नहीं बाबा क्या मुझे डर लग गया। क्या डर लग गया, इसमें से कीड़ा निकल आएगा, इसमें से भी कीड़ा। अपनी जान की बाजी खेल के अब बस कर दे, नहीं कीड़ा खाता आपको यार, अल्लाह का वास्ता। नाजरीन अभी आपको कीड़ा दिखाऊंगा जिससे मेरी बेगम की हालत टाइट हुई हुई है। तौबा, अब तक वो चला भी गया अपने नए घर में अंदर, जरा देख चला गया वो। एक गाल गुलाबी ओ फिटे हूँ। मामा आप किस किस्म के कैमरा मैन है यार, जब आप कैमरे में होती वीडियो नहीं बनती, कहाँ से नहीं बनी? ये कि मटर लगाए हुए। चल ठीक है, वो मैं ऐसी बातें कर रहा था। बताएं। ये अभी मैं रेड लेटिस लगा रहा हूँ ऑल्टरनेटली बीच में, ताकि ये बड़ा अच्छा इंशाल्लाह जो मैं सोच ही रहा हूँ कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा, कि एक ग्रीन के अंदर कहीं कहीं रेड, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी मैं वो लगा रहा हूँ। रेड नॉर्मली हम कभी भी लगाते नहीं है, मैं तीन विंटर से लगा रहा हूँ लेटस, हमेशा हम ग्रीन ही लगाते हैं और आइसबर्ग लगाते हैं थोड़ी सी। एक प्रोसेस सिखा दें, उंगली का निशान डाला, होल डाला और ऐसे लगा दिया। निशान इसमें मैं नहीं डालता। नहीं मतलब किस तरह लगाया, एक सेट अब देखें मैं। ये एक मेरी ग्रीन पनीरी थी, ठीक है, इसको मैंने पिक किया। अब ये रैंडमली रेड के बाद मैंने ये एक इतनी उंगली का होल किया जितना इसमें इसकी रूट जा सकती है, और फिर मैंने इसको प्रेस कर दिया। मामा यार आके हेल्प करा दें, एक बंदे का काम नहीं है। अच्छी खासी लग गई है, लेकिन और देख के आना कि वो चल रहा हो। चले फिनिश करें अपनी। अच्छा लगी, तो खाने लगी थी मैं। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आज आप मौसम इतना अच्छा है, चाय में क्या बना रहे हैं? हम तो फिश बनाएंगे। बोल बोल के सबको सबको स्कीम बता दें।
मैंने फिश, अगर आपको फिश की अच्छी रेसिपी चाहिए तो आप भाई को बताएं, भाई आपको बेहतरीन मैरिनेट मैंने की, भाई आपको बेहतरीन यूरोपियन फिश बनाने का तरीका बताएगा, फिश एंड चिप्स वाली। आह हा हा हा, आप कहेंगे साथ साथ क्या खिला दिया आपने, ना ही खिलाते तो बेहतर था। इसी तरह ना वीकेंड पे, हर वीकेंड पे मैं कोई एक नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मार रही है। अच्छा, मैंने बीफ बिरयानी बना के खिलाई पहली दफा 100 साल पहले, पिछले हफ्ते को। इस वीकेंड क्या बनाया था हमने? क्या इस वीकेंड क्या बनाया था हमने? बाबा यार यूं ना कहना, उल्लू बनाने के अलावा जी, हमने इस दफा हमने बनाए थे पॉपर्स, चिकन पॉपर्स ब्रोस हो गए। लादे में तोड़ दूं, होममेड नगेट्स भी बनाए। और आज कौन कह रहा था कि अब्बू जाला की कुकिंग बहुत अच्छी होगी नेक्स्ट? ओ वो तो देखो थोड़ी सी जाला फैंसी चीजें बहुत अच्छी बनाती है, ओ थोड़ी सी करनी पड़ती है ना, मैंने आपका काम आसान कर दिया। अब ये लगाएं भी जो काम आसान किया है ना, अब हमारा 60% काम हो गया। इसका थोड़ा सा गुच्छा सा अलग कर देंगे, तो एक आध गुच्छे दुच्छे भी लगा दे थोड़े से। हाँ लगावा ही पड़ती है, ठीक जा रही है, ठीक जा रही है, ये लगा दे। हाँ, थोड़ा सा बीच में गुच्छा गुच्छा लगाते हैं ना, एक थोड़ा सा बड़ा सा हेड पर। सही तो लगा रहा हूँ जी, नहीं मामा बिल्कुल ठीक लगा। हम फंस ही गए हैं 198 पे कुटी। जले जले हमारी भी कोई ग्रोथ हो ना, हम भी को डालर कमाएं डकी भाई की तरह, हम भी ऑडी ई-ट्रॉन जीटी लें। इतने तो ऑल्टो तो गल नहीं होती भाई तुम्हारे को, पापा सारे मुझे दे दें यार। ओए इनके ऊपर मिट्टी ना डाल सारी। ये वाला कौन सा है? हैं ये भी आइसबर्ग की है, वो आइसबर्ग कह रहा हूँ, ये नॉर्मल लेटस है, गार्डन लेटस। मेरे को नॉर्मल वाला बहुत पसंद है। नहीं है, नहीं यूजुअली आपके किचन गार्डन की रिक्वायरमेंट एक ग्रीन लेटस का जो है पनीरी वो पूरी कर देगी, लेकिन चूंकि हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो हम दो ग्रीन लेटस की पनीरें लाए थे, और जस्ट फॉर अ चेंज हमने एक रेड लेटस की पनीरी भी लगाई थी। तो ये इसमें आपको 15-20 प्लांट्स मिल जाते हैं एक ही पनीरी के बॉक्स के अंदर, जिसमें जो आप बड़े से गार्डन बेड में डाल देंगे तो आप जो है वो पूरा विंटर ये लेटस के लीव्स इंजॉय कर सकेंगे। इनको थोड़ी सी स्पेसिंग के साथ प्लांट करें, ये जी मैं इसको मल्च कर रहा हूँ, मल्च करने से होता है कि इनकी रूट्स जब एक्सपोज जमीन होती है ना वो छुप जाती है, बहुत ज़्यादा स्पेस देने से। देखिए आपको प्लांट्स ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोज जमीन है कर लीजिएगा। अभी हम सिर्फ एक हल्का सा कोट कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि पत्ते भी बहुत छोटे हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मैं इसके ऊपर और एक थिक लेयर कर दूंगा। ये ले मामा आप वहाँ उस वाली साइड से कर दें। बहारो फूल बरसाओ, क्या हुआ? ओके जी, होपफुली आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमने लेटस लगाई, आप भी अब टाइम आ गया लेटस लगाने का, आप जाएं किसी नर्सरी से जाके ले आएं और लगा लें इस तरह और पूरी सर्दियां मजे उठाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके अल्लाह, बाय बाय। चलो भाई व्लॉग बन गया हमारा।